चीन के विशेषज्ञों ने शी जिनपिंग सरकार को चेतावनी दी है कि अगर भारत के साथ डोकलाम विवाद लंबा खींचा तो इसका असर उसकी महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड पर पड़ सकता है। मकाओ स्थित सैन्य विशेषज्ञ एंटनी वॉन डोंग ने चेतावनी दी है कि डोकलाम विवाद पर चीन का अड़ियल रुख भारत को उससे दूर कर रहा है और हो सकता है कि इसके नतीजा ये हो कि भारत उसका दुश्मन बन जाए। वॉन्ग ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से कहा, चीन मनोवैज्ञानिक जंग लड़ रहा है लेकिन उसे यह एहसास होना चाहिए कि अगर वो जमीन पर भारत को हरा भी देता है तब भी पीएलए नेवी के लिए समंदर में भारत से पार पाना लगभग नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि चीन प्रमुख रूप से आयातित तेल पर ही निर्भर है और हाल ही में चीन के सरकारी मीडिया में छपी रिपोर्टों के अनुसार उसका 80% तेल हिंद महासागर के रास्ते आता है। एक अन्य विशेषज्ञ सुन शहनाई ने अखबार से कहा कि पिछले 3 दशक में भारत और चीन के बीच ये सबसे बड़ा सीधा टकराव है। अगर ये विवाद लंबा खींचा तो भारत में चीन विरोधी भावनाएं प्रबल हो जाएंगी। भौगोलिक रूप से भारत चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFI न्यूज़, हमेशा सच के साथ।